नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एसएससी जीडी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, तो आप अपनी मनपसंद पोस्ट ले पाए इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पोस्ट होती है, क्या काम होता है, कितनी सैलरी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं और वहां पर क्या क्या काम होता है, और उस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 8 तरीके की पोस्ट होती हैं, एसएससी जीडी से मिलती हैं, इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इनकी जॉब कहाँ होती है, जैसे आपने भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गई, बॉर्डर वहां पर ये जवान तैनात होते हैं। तो जैसे भारत से पाकिस्तान के रिलेशन आपको पता होंगे तो अच्छे नहीं है, कभी भी गोलीबारी हो जाती है, तो थोड़ा सा रिस्क होता है। तो हाई रिस्क जॉब है ये बीएसएफ की, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी भी बीएसएफ की ही आती है। ठीक है, अगली आती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब एक फोर्स जो होती है वो रिजर्व होती है। इनका काम क्या होता है, कब होता है, तो पहले लाइन में पढ़ो, राज्य की जो पुलिस फोर्स है उनको जब जरूरत पड़ती है तो सीआरपीएफ के जवानों को साथ देना पड़ता है। इसके बाद आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो सीआरपीएफ के जवान वहां आ जाते हैं। ठीक है, चुनाव में जो इलेक्शन ड्यूटी होती है, इलेक्शन ड्यूटी के टाइम जो जवान तैनात होते हैं, आपने देखा होगा कि गांव गांव घूमते रहते हैं, तो वो कौन होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता है एसएसबी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल से जो सिलेक्ट होते हैं, जी फोटो दिख रही होगी आपको, तो इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, तो इनकी ड्यूटी भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहां पर होती है। अब भारत से नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भारत मतलब वहां पर कोई ऐसी गोलीबारी नहीं होती है, बम नहीं फेंके जाते हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, जवानों की क्या जरूरत है, तो वहां पर हथियारों, गोला बारूद, इनकी तस्करी ना हो पाए इसके लिए हमें जो फोर्स है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कम रिस्क वाली जॉब है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है ये, बहुत ही कम रिस्क। अब देखो, जितनी ज्यादा रिस्क होगी सैलरी भी उतनी ज्यादा मिलती है, और जहां कम रिस्क होती है वहां सैलरी उतनी कम होती है। मतलब हाई रिस्क है तो ज्यादा सैलरी, कम रिस्क है तो कम सैलरी। ठीक है, लेकिन मिनिमम 30,000 तो आपकी सैलरी बनती ही है। जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, तो इनमें सैलरी 30,000 से भी ऊपर मिलती है, अप्रोक्स 40,000 तक सैलरी मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इनकी पोस्ट मतलब इनसे जो सिलेक्ट होते हैं तो उनका काम क्या होता है, उनको कहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है, तो देखो तिब्बत की जो बॉर्डर है ना, तिब्बत की जो बॉर्डर है वहां पर इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ड्यूटी करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, लगभग -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इतनी ज्यादा ठंड में काम करना पड़ता है, तो एक ड्यूटी कठिन है ये। ठीक है ना, तो आप देख लें अच्छे से, उस तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि पहले नंबर पर अगर आपने आईटीबीपी डाल दिया और आपके उतने नंबर है तो आपको -40 डिग्री पर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम असम राइफल्स। असम राइफल्स से अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको कहाँ जॉब करना पड़ेगा, आपको उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र होते हैं वहां आपको आंतरिक सुरक्षा देना पड़ता है। ठीक है ना, SSF मतलब सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, और जो लोग इससे पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं एसएससी जीडी का, काफी लोग SSF को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो सिलेक्ट होते हैं उनको जो जॉब मिलती है ना वो मंत्रालय सचिवालय में मिलती है, तो कम रिस्क वाली जॉब होती है, मंत्रियों के बीच में रहते हैं, ज्यादा परेशानी होती नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया जॉब है, और सबसे कम वैकेंसी भी इसी की निकलती है। SSF CISF की बहुत कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी निकलती है, CRPF हो गया, BSF हो गया, इनकी सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस किस किस हिसाब से आपको किसको पहले रखना है, किसको लास्ट में रखना है। ठीक है, NCB, NCB का काम क्या होता है, NCB से अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इनका काम होता है कि ड्रग तस्करी ना हो पाए, ठीक है, अवैध पदार्थों का दुरुपयोग ना हो पाए, तो इसके लिए जो पोस्ट मिलती है उनका ये काम होता है। अब आते हैं हम CISF। CISF के जो सिलेक्टेड जवान होते हैं उनको कहाँ सुरक्षा देनी पड़ती है, कहाँ उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं ना वहां पर इनको सुरक्षा देनी पड़ती है। जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, हवाई अड्डे हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, बंदरगाहों पर, ऐतिहासिक स्मारकों पर, यहाँ इनको सुरक्षा देनी पड़ती है, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है,
SSF हो गया, CISF हो गया, ये बहुत अच्छी जॉब है। इनमें आपको कम रिस्क है, वैकेंसी कम निकलती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया BSF हो गया, CRPF हो गया, इसमें हाई रिस्क है लेकिन वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से करनी है, बता देता हूं मैं। देखिए, तो आप पहली प्रेफरेंस पर रख सकते हैं SSF को, ठीक है। इसके बाद आप CISF को रख सकते हैं, CISF को, ठीक है। और फिर थर्ड प्रेफरेंस पर रख सकते हैं आप SSB को। SSB के बाद आप फोर्थ प्रेफरेंस पर रख सकते हैं BSF को। फिफ्थ पर रख सकते हैं आप CRPF को। और उसके बाद असम राइफल्स, ITBP, NCB, इनको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। इसके बाद अपना SSC GD का बैच आ रहा है। देखिए, SSC GD का आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा ये। इसमें वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, इसकी फीस है 1999, लेकिन दिवाली ऑफर में ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 599 रुपए में। ठीक है, तो सत्यादी शर्मा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और इस बैच को परचेस करें और अभी से SSC GD की तैयारी स्टार्ट करें। थैंक यू।